अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी, बल्कि तकरीबन 98% पाकिस्तानी जो हैं वो टैक्स नहीं देते, बल्कि वो ये सवाल करते हैं कि हम टैक्स क्यों दें, हमें क्या सहूलतें दी जाती हैं। मैं उनको थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ कि जितनी भी दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो आपसे मुख्तलिफ तरीक़ों से आपसे टैक्स लेते हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, आपसे लेते हैं और उन्हीं पैसों में से आपके ऊपर फिर वो खर्चा करते हैं। ये बात आप किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछ लें कि आप वहाँ पर कितना टैक्स भरते हैं। हम तकरीबन पिछले 10-12 सालों से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है मुख्तलिफ अंदाज में हम टैक्स भरते हैं, अपनी आमदनी का ज्यादातर पैसा जो है वो टैक्स में देते हैं। एक एक रेजिडेंसी के लिए, एक वर्क परमिट के लिए 15 डिपार्टमेंट बनाए होते हैं जो आपसे उस तरीके से आपसे पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे आपके ऊपर लगाते हैं। यही कंसेप्ट अगर पाकिस्तान में लाया जाए, पाकिस्तान में लोग टैक्स देना शुरू करें, तो यही तरह की याफ्ता ममालिक की जो सहूलियात होती हैं वो पाकिस्तानियों को भी मुयस्सर होंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये सोच को बदलना होगा कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। विदाउट टैक्स ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो मेरी आपसे गुजारिश है पूरे पाकिस्तानियों से कि इससे पहले आपके हुक्मरान चोर थे, डाकू थे, लूटते थे पाकिस्तान को, अभी की जो क्यादत है ईमानदार क्यादत है आपके लिए है, आपका पैसा आपके ऊपर लगेगा। मेहरबानी करके कोशिश करें, टैक्स देना शुरू करें, टैक्स फाइलर बने, टैक्स नेट में आ जाएं, मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।